गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दिया है वर्मी कंपोस्ट लिक्विड बना के फ्रेंड्स। तो देखिए सभी प्लांट्स कितने खुश और हेल्दी दिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही हमने कल गुड़ाई कर दिया था और आज वर्मिंग कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र दे दिया है फ्रेंड्स। तो इस समय हम अपने प्लांट्स को लिक्विड ही फर्टिलाइज़र दें, चाहे गोबर की खाद का हो या वर्मी कंपोस्ट का हो, कोई भी चीज़ का देना है आपको तो लिक्विड ही दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए, सारे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देने के बाद सबकी सावरिंग भी कर दिया है। देखिए और ये देखिए मेरा अंजीर का प्लांट कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, सबकी हमने कटिंग कर दिया था, एक भी ब्रांच इसमें नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन देखिए कितना घना हो गया है। ये देखिए आम और अंजीर दोनों एक ही साथ तैयार होता है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हुआ है और ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट है अंजीर। हम लोग जो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो आपको पता ही होगा कितना महंगा मिलता है फ्रेंड्स, और ये ताज़ी ताज़ी जब अपने प्लांट से हम तोड़ के खाते हैं तो सोचिए कि कितना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी और पौष्टिक वाला ये फल है। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगा लें, गमले में भी लगा सकते हैं आप। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कटिंग से मैंने गमले में भी लगाया है फ्रेंड्स, देखिए कितना हेल्दी। तो सभी प्लांट्स को मैंने पानी दे दिया है फ्रेंड्स, और सावरिंग करने के बाद सबको फर्टिलाइज़र भी दे दिया है। कुछ कुछ छूट गए हैं तो मैंने फिर से फर्टिलाइज़र को भिगो दिया है, ओवरनाइट भिगोने के बाद ही दूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए सभी प्लांट्स, और ये देखिए ये सब अब सूख रहे हैं। ये देखिए तो इस समय फ्रेंड्स आप अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए सब इधर मेरे गुलाब हैं, सब कटिंग से ही लगाया है फ्रेंड्स गुलाब को, और ये देखिए साल्विया को ज़मीन में लगाया है तो कितने अच्छे से चल रहा है, और सारे गुलाब को भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी है। फूल को तो मैंने सब कट कर दिया, पुराने फूल को आप हटाते जाइए तो नए नए फिर आएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सारा बंच में ये खिला हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए आप। अपराजिता भी देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा खिला हुआ है, ये डबल पेटल वाला अपराजिता है फ्रेंड्स, देखिए। तो इसको मैंने ज़मीन में लगा दिया है तो ये बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हुआ है। इधर सारे मेरे गुलाब ही हैं फ्रेंड्स, और उधर देखिए मैक्सिकन पिटोनिया, और ये सब 9 o'clock को साइड साइड में लगा दिया है। और इधर भी देखिए एमरेलिस लिली को हमने इधर ज़मीन में लगा दिया है फ्रेंड्स, तो एक प्लांट से कई प्लांट निकलेंगे, ये देखिए। और इधर देखिए कितना हेल्दी मेरा नीम का, मीठी नीम का प्लांट है फ्रेंड्स, मैंने इसकी भी कटिंग कर दिया था और ये देखिए कितना हेल्दी हो गया है। तो ज़मीन में तो फ्रेंड्स प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, और ये देखिए गेंदे का सीड को डाला था तो कितना अच्छा ये खिल रहा है फ्रेंड्स, देखिए।
और इधर देखिए हॉली हॉक, इधर सारे हॉली हॉक को लगा दिया है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लव का प्लांट अब मेरा खिलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी खिला नहीं है, अभी कल ही आया हुआ है। इधर देखिए हल्दी का प्लांट तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं इसीलिए करती हूँ कि बहुत ही ये खूबसूरत लगता है ये प्लांट मुझे। तो देखिए इधर सब ज़मीन में ये सब प्लांट लगे हुए हैं तो कितने हेल्दी हैं। और इधर भी देखिए मेरा मदर प्लांट रोज का है, ये देखिए फ्रेंड्स इसी से लेके मैंने उतना सारा कटिंग को लगाया है। तो इन सब में अभी मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, ये देखिए अभी मैंने भिगो के रखा है। इतने सारे प्लांट्स हैं तो एक ही दिन में तो नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। ये देखिए एमरेलिस लिली अभी खिला नहीं है, देखिए मैंने कितना लगाया। और इधर देखिए फ्रेंड्स वैजयंती का प्लांट एक से ले लेके मैंने सब लगा दिया है, ये साइड साइड दीवार की तरफ, जब बड़े होंगे और खिलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने साल्विया की कटिंग लगा दिया था और वंडिंग जीव, और ये देखिए साल्विया कितना अच्छा ज़मीन में सब चल रहा है। और ये देखिए मेरा, और ये देखिए ये सब जो मैंने बनाया था इसमें मीठी नीम में हैंग कर दिया है। और इधर एलोवेरा और ये सब प्लांट को हमने लगा दिया है फ्रेंड्स। तो इधर से देखिए कितना सुंदर दिख रहा है सब मेरा गार्डन। और इधर देखिए टर्टल वाइन लगा दिया है इधर ढेर सारा ज़मीन में भी, और एक ब्रांच से इतना सारा हो गया है फ्रेंड्स। और इधर भी देखिए एक एक ब्रांच को ही लगाया था और कितना ज़्यादा हो गया है ये देख सकते हैं आप। वॉन्डिंग जीव, पर्पल हार्ट, ये देखिए कितना सुंदर इसमें सब लग रहे हैं। और इसमें देखिए मेरे खरगोश हैं, ये देखिए इधर देखिए आम्रपाली आम है, एक छोटा सा है अभी। और इधर भी सारा हमने सीढ़ियों पे प्लांट लगा दिया है फ्रेंड्स। और इधर तो आपने मेरा कई बार देखा है। और इधर देखिए बेबी सनरोज का कटिंग मैंने लगा के और शेड में रख दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने यही काम किया है और ये आपको दिखाती हूँ फर्टिलाइज़र को। ये देखिए मैंने भिगो के रखा है और अब मैं इसे कल जो जो प्लांट मेरा सूख गया है उसमें और पानी मिला के ये देखिए दूंगी। तो ये बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के लिए, वर्मी कंपोस्ट का ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स। तो मैंने इसे रख दिया है अभी और मैं कल दूंगी। और ढेर सारा मैंने जो बनाया था मैंने सबको दे दिया है। और ये देखिए अभी अरबी का पत्ता मेरा इसमें निकल रहा है। और ये देखिए मेरा कटिंग से लगाया हुआ है, देखिए इसमें भी फूल आने लगा है चंपा में, मोगरा में, सॉरी मोगरा में फ्रेंड्स। और ये सब देखिए मेरे गुड़हल के प्लांट कितने चमकीले और कितने हेल्दी और कितने खुश दिख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर इसका पत्ता है। और ये देखिए इधर सब कटिंग ही सारे हैं, ये सब नागचंपा का है, ये फोर्बिया मिली का है, और ये सारे
मैक्सिकन पिटोनिया की कटिंग ही लगाया है मैंने। और ये तो अभी मेरा नहीं खिल रहा है बॉटल ब्रश, देखते हैं इसमें, देखिए कली आ गया है फ्रेंड्स, कब खिलता है। और ये सब देखिए हाइब्रिड कनेर का प्लांट है ये ओलियंडर, तो ये अब खिलने लगा है पिंक वाला। और ये सब अभी नहीं खिल रहा है। और ये गुड़हल तो खिल रहा है, हाइब्रिड वाला है फ्रेंड्स। इधर मेरे सारे ही कटिंग के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, जितना भी आप देख रहे हैं सब कटिंग्स के हैं। और बड़े बड़े जो पॉट में हैं वो सब खरीदे हुए भी हैं और कटिंग्स के भी हैं। ये सब तो सारे जो पॉट में मैंने लगाया है खुद से बना के, ये सारे कटिंग्स के ही हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। ये फोर्बिया मेली कटिंग तो मैंने बहुत ही लगा दिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए टमाटर, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाइट वाला कनेर है, अभी नहीं खिला है। और ये देखिए कितना हेल्दी हो गया है। और ये देखिए मेरा गुड़हल कितना अच्छा और हेल्दी, और बहुत देखिए इसका फूल कितना सुंदर है। और ये धूप लगेगा अभी तो थोड़ा बड़ा भी होगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स को देख सकते हैं आप। सुबह से ही लगी हूँ फ्रेंड्स, देखिए धूप भी हो गया। और इधर देखिए टिकोमा ऑरेंज वाला बोगनविलिया देखिए, और ये भी देखिए कनेर का है वाइट, ये सब अभी नहीं खिल रहा है। और ये देखिए आलमांडा, और ये मिनी आलमांडा है, और ये एक्जोरा है फ्रेंड्स, देखिए फूल आने लगा है। ये मेरा अनार का प्लांट है, और ये देखिए एक्जोरा रेड वाला, और ये देखिए पिंक वाला भी खिला है। और ये देखिए फ्रेंड्स एक गुड़हल में मेरा सिंगल अपराजिता भी उगाया है, ये देखिए कितना, ये देखिए मोगरा कितना सुंदर खिला हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है गर्मियों का, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा और सिंगार का दो प्लांट है, एक मैंने उधर रखा है फ्रेंड्स। और ये देखिए नागचंपा, और ये रेन लिली, सारे मनी प्लांट्स इधर हमने थोड़ा सा छाया में रख दिया है फ्रेंड्स। और ये तो हल्दी का प्लांट आपने दिखा ही है। और ये देखिए शुगर का प्लांट, गुड़मर्ग जिसको बोलते हैं। तो आज मैंने फ्रेंड्स यही किया है, सुबह ही सुबह अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दिया है, और कल गुड़ाई कर दिया था फ्रेंड्स। तो जब आप गुड़ाई करें तभी पानी नहीं डालें, छोड़ दें उसको, अगले दिन डालें ताकि हमारे प्लांट्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाए। और गुड़ाई करने से फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलता है, तो इसलिए आप 15 दिन पे अपने प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। तो देखिए सारे प्लांट्स को, और इसमें देखिए जो हम मैंने सीड लाया था वो सब निकल रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए उसमें भी निकला है। तो सारे सीड जो हैं निकल रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए